Good morning, everyone. So today I'm starting the next topic. Okay, and your next topic is the energy stored in our capacitor. So topic's name is energy stored in our capacitor. Okay. तो एज यू नो कि जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है तो विच टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कौन से टाइप की एनर्जी है. तो जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द सेंस कि जो चार्जेस होते हैं क्योंकि कैपेसिटर का जो यूज करते हैं दैट इज जस्ट लाइक बैटरी. तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनका जो चार्जेस होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, रुके हुए होते हैं. और जब उसको किसी चीज़ को उसके थ्रू चार्ज करना होता है देन दोज चार्जेस स्टार्ट मोशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब कि जो चार्जेस रेस्ट पे हैं, जो रुके हुए चार्जेस हैं, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. और कौन से टाइप की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो हमें इसके लिए रिलेशन ड्राइव करना है कि कैपेसिटर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका रिलेशन क्या होता है. तो वो जो रिलेशन है वो जो तीन क्वांटिटीज आपने कैपेसिटर से रिलेटेड स्टडी की है क्यू सी एंड वी, उन्हीं के टर्म्स में रिलेशन आता है. तो अगर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक वन डायग्राम फॉर कैपेसिटर. कैपेसिटर के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा. वो डायग्राम ऐसे ही होगा जैसे आपने स्टडी किया है कि दीज आर व्हाट दीज आर द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो इन पे जो इंटरनली चार्जेस शो किए हैं दोज आर अपोजिट चार्जेस. तो इस तरह से प्लस और माइनस चार्जेस हैं. तो सबसे पहले तो इस वाली प्लेट को आपको पता है चार्ज करना पड़ता है. तो उसको प्लस क्यू चार्ज दिया है. इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आया है दैट इज माइनस क्यू. तो प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस की वजह से जो चार्ज का अमाउंट होता है दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द टू प्लेट्स. दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज का अमाउंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. तो उसको हमने लेट कर लिया है कि मान लीजिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू कहाँ से कहाँ फ्लो करता है फर्स्ट वाली प्लेट से सेकेंड वाली प्लेट की तरफ. एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू फ्लो होना स्टार्ट होता है. ओके, तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा एक्सटर्नल वर्क दैट विल बी डी डब्ल्यू. और दूसरी बात कि इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट वी हैव टेकन हियर वी. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी. तो हमने एक रिलेशन लिखा. रिलेशन किसके लिए लिखा? कि व्हाट अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क इज टू बी डन टू फ्लो द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकेंड प्लेट देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज वी. ओके, तो रिलेशन विल बी वॉन्ट. तो सबसे पहले तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आते हैं रिलेशन पे. और रिलेशन क्या हो जाएगा? दिस जो वर्क का रिलेशन होता है वी इन टू क्यू. सो वी हैव रिटन दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू. ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है? नाउ अब आपको पता है कि जब भी रिलेशन बी के टर्म्स में लिखा होता है तो जो टोटल जो भी क्वान्टिटी है उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट द रिलेशन. तो वैसे इसका जो है वो दूसरा मेथड एवरेज वर्क डन फाइंड करके भी कर सकते हैं आप. लेकिन जो टोटल वर्क और एवरेज वर्क होता है उसमें डिफरेंस है. एक मेथड ये भी है कि आप इनिशियल वर्क का रिलेशन लिखें. कि इसमें एक जो अल्टरनेट मेथड है दैट में बी दिस कि इनिशियल वर्क, क्योंकि इनिशियली चार्ज को लाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा. फर्स्ट पीरियड पे जो आपने पढ़ा है कि इनिशियली जहाँ भी इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हैं वहाँ इनिशियल वर्क डन जीरो होता है जब आप सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाते हैं. तो उसी तरह से पहले वाली प्लेट को जो चार्ज दिया तो उसके लिए इनिशियल वर्क डन जीरो. और दूसरी वाली जो प्लेट है उसको जब चार्ज दे रहे हैं तो डब्ल्यू कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू पोटेंशियल कितना है, वी. ओके, तो हम हो सकता है यहाँ पर वाला रिलेशन अगर लगाए कि एवरेज वर्क डन इज इक्वल टू जीरो प्लस क्यू वी अपॉन टू. लेकिन इस रिलेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं. एक तो ये कि एवरेज और टोटल वर्क डन में डिफरेंस हुआ, क्योंकि वर्क डन कभी एवरेज नहीं फाइंड किया जाता है. वर्क डन जो है वो टोटल फाइंड किया जाता है, क्योंकि इनिशियली कितना वर्क किया और फाइनली कितना वर्क किया ये प्रोसेस नहीं होता है. वर्क एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है. तो वर्क हमेशा टोटल फाइंड करते हैं. दूसरी चीज़ ये भी है
यहाँ पर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज है, जैसे यहाँ लिखा है कि दूसरा वाला चार्ज पुट किया जाता है, एक्चुअली ये प्रोसेस होता है जो आपने सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाने में देखा है कि पहला वाला वर्क डन तो जीरो होता है, क्योंकि पहला वाला चार्ज लाए तो अंदर कोई भी चार्ज देगा उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। सेकेंड वाला जब चार्ज लेकर आते हैं तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल पुट करते हैं, जो हमने क्यू एन टू भी लिखा। तो एक्चुअली सेकेंड वाले पर हम कोई चार्ज नहीं लाए हैं, सेकेंड वाले में जो चार्ज है वो किस प्रोसेस से आ रहा है, इंडक्शन से आ रहा है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो है वो ये रिलेशन एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि इंडक्शन से चार्ज आ रहा है तो एक्चुअली उसका एग्जिस्टेंस वैसे तो नहीं है, लेकिन एक प्लेट सामने रखने से दूसरी प्लेट पर अपने आप से चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो रिलेशन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आप यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। तो टोटल अमाउंट के लिए आपको मानना पड़ेगा कि लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ, तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, हमें इंटीग्रेट करना है चार्ज को, डी क्यू लिखा है। तो इनिशियली चार्ज जीरो था, अब फाइनली चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्यू, ठीक है। हमने मान लिया कि जब चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले जीरो चार्ज ट्रांसफर हुआ था, बाद में कितना हो जाता है, क्यू। तो जो हमने इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा हमें कि वी नो द रिलेशन, जो v की वैल्यू होती है वो क्या होता है, q अपॉन c, उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। w इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ही लिखते हैं अब इसको, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू q अपॉन c डी क्यू। ओके, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू q अपॉन c डी क्यू। अब हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो w इज इक्वल टू, अब आप रिलेशन जब इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले लिमिट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन के, लिमिट्स क्या हो जाएंगे, जीरो टू क्यू। ओके, और इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब आपको करना है इंटीग्रेट, तो यहाँ पर वन अपॉन सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स क्या आ जाएंगे, जीरो टू क्यू। ओके, सो इंटीग्रेशन इज नाउ सॉल्व। अब आपको बस लिमिट्स लगानी है, तो वन अपॉन टू सी आउटसाइड और यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस जीरो, इसका रिलेशन आ रहा है वर्क। तो नाउ फाइनली द रिलेशन बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ओके, तो ये रिलेशन जो है दिस इज द रिलेशन ऑफ वर्क, कि कितना वर्क करना पड़ेगा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट तक ट्रांसफर करना है। ओके, उसके बाद दूसरी बात, क्योंकि ये वर्क का रिलेशन है तो अब आपको एनर्जी के लिए यू हैव टू राइट वन लाइन कि दिस वर्क डन, अब जितना भी हमने वर्क किया है चार्ज को ट्रांसफर करने में, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। उतना ही वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, ये रिलेशन एक तो आप इस तरीके से भी स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या लेकर चले हैं, कॉन्सेप्ट ये लेकर चले हैं कि फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट को जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वैसे आप ये भी लेकर चल सकते हैं कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की जो है फर्स्ट वाली प्लेट उसको हम कितना वो दे रहे हैं चार्ज, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम सेम इंटीग्रेट करेंगे कि पहले उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो था, फिर जब हमने उसको चार्ज करना स्टार्ट किया तो उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों हो जाता है, और जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल बन रहा है वो पोटेंशियल वी है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल वी वोल्ट्स करना है। ओके, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अभी तो हमने कंडीशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ली थी कि वो डिस्चार्ज कैसे होगा, अपनी फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट को कैसे चार्ज देगा। अब अगर हम ये बताएं कि कैपेसिटर की पहली वाली प्लेट को चार्ज किया जा रहा है बैटरी के थ्रू, तो आप बता सकते हैं कि उसका पोटेंशियल वी वोल्ट्स बनाया जा रहा है, उसका चार्ज जीरो से क्यों किया गया है, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो उसमें जो है जो भी स्टोर होगा चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो अब ये जो आपका रिलेशन था उसके लिए सिंबल चेंज हो जाएगा, एंड नाउ वी कैन राइट द सिंबल कैपिटल। ओके, तो ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब ये रिलेशन क्यू और सी के टर्म्स में, अब मान लीजिए आपको रिलेशन जो है
वो बाकी दो क्वांटिटीज के टर्म्स में निकालना पड़े, तो सबसे पहले अगर हमें सी और वी के टर्म्स में निकालना है तो सेल्स वी शुड नो द रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, उसको हम यहाँ यूज करेंगे तो रिलेशन बिकम सी यू इज इक्वल टू क्यू के प्लेस पर हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा टू सी, तो वन सी इज कैंसल्ड, रिलेशन क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक रिलेशन है आपका ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, और एक रिलेशन है आपका ये हाफ सी वी स्क्वायर, और एक और रिलेशन आप बना सकते हैं क्यू और वी के टर्म्स में। तो क्यू और वी के टर्म्स में रिलेशन को बनाने के लिए आपको सी को रिप्लेस करना है, तो जो आपका रिलेशन था क्यू इक्वल टू सी वी, सी कितना हो जाएगा क्यू अपॉन वी। इसी रिलेशन में हमने यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी के प्लेस से पुट करेंगे क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, तो वी विल कम इन न्यूमरेटर और क्यू से ही कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू क्यू वी, ये रिलेशन आपका आता है थर्ड। तो नाउ यू हैव सीन कि कितने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रिलेशन है अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में रिलेशन आप जो है वो यूज कर सकते हैं। पहला रिलेशन है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, दूसरा रिलेशन है आपका हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड रिलेशन है आपका हाफ क्यू वी। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स जब आपने सॉल्व किए तो उन न्यूमेरिकल्स में अकॉर्डिंगली रिलेशंस को यूज़ किया है, तो कहाँ कौन सा रिलेशन यूज होगा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमारे लिए बेटर है कि हम ये देखें कि हम जो है वो कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये दो कैपेसिटर्स जो हैं सी वन और सी टू सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा दोनों के, इसका वी वन और इसका वी टू, कैपेसिटर्स तो डिफरेंट दे ही रखी है, तो हमें कम से कम एटलीस्ट एक ऐसी क्वान्टिटी पता होना चाहिए जो कि सेम है या जो नोन है, तो तभी हम रिलेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसमें अगर हम दोनों अननोन क्वांटिटीज ले लेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए याद रखिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमें रिलेशन यूज करना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्योंकि सी तो डिफरेंट है दोनों कैपेसिटर के लिए, वो गिवन भी होती है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज दिस, लेकिन चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर के लिए क्या होगा सेम, तो एटलीस्ट एक क्वांटिटी ऐसी है जो सेम है जिसको हमें अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे रिलेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन इट विल बी लाइक दिस, तो ये रिलेशन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा, इसमें आपको पता है कि वोल्टेज विल बी सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंसेस तीनों की अलग अलग होंगी सी वन सी टू सी थ्री, अब इनमें फिर कैपेसिटेंस तो डिफरेंट है ही, लेकिन आपको अदर एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसका क्या हो जो सेम हो तीनों के लिए, तो सेम क्या है वी, तो अब आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, ये वाला जो रिलेशन है बहुत रेयरली यूज होता है जहाँ पर क्यू और वी ही गिवन है, वहाँ पर जो है आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपका यही रिलेशन दो यूज होंगे, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक फिनिश करने के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी व्हाट, अब आपका टॉपिक होगा जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं आपके, तो उनमें जो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं उन एनर्जीज को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी दे रखी है 5 जूल 2 जूल और 3 जूल, तो आप नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एल्जेब्रिक सम ही करें, क्योंकि रेसिप्रोकल करके भी ऐड होती है कैपेसिटेंसेस, तो इट विल बी इन द रेसिप्रोकल फॉर्म। तो चलिए अब जो है इसके बाद में पहले इसको अगर आपको देखना हो नोट डाउन करना हो देन यू कैन नो।
After this, what is the next? Energy of the capacitor for series and parallel combination. So energy of capacitor. Subsequently, in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे फाइंड